रोमन रेंस और ड्रू मैकएंटायर के बीच किसने एंट्री करके टाइटल रिटेन करवाया, क्या हुआ जब ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करने आए, वुमेन्स मैचेस में क्या दिखा सेथ रॉलिंस रिडल के बीच, क्या दिखा शेमस और गंथर का मैच कैसा रहा, हील टर्न यहाँ पे किसका हुआ, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में हमें बियांका ब्लेयर अलेक्सा ब्लिस आस्का वर्सेस बेले स्काई डकोटा काई के बीच मैच दिखा। बेले और बियांका मैच की शुरुआत के लिए खड़ी होती हैं, क्राउड बेले के खिलाफ जबरदस्त चैंट्स करता है तो बेले को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तभी बियांका ब्लेयर स्काई पर अटैक कर देती हैं, सभी वुमेन्स रिंग में आ जाती हैं और फिर इन सभी वुमेन्स के बीच ब्रॉल दिखता है। फेस टीम हिल को बाहर करती है और बियांका ब्लेयर बेले में मार देना शुरू करती है। फेस टीम काफ़ी डोमिनेट करती दिखाई दी, तीनों ने हिल टीम की वुमेन्स को एक साथ सुपर प्लेक्स मारी। काफ़ी टाइम तक टीम स्ट्रगल करती दिखाई दी, अब काफी देर स्ट्रगल करने के बाद हील टीम ने आस्का पर हावी होके उनमें बारी बारी से मार लगाई। क्राउड ने भी इस मैच में बड़ा मजा बांध दिया। बेले स्काई ने आस्का को पिन करने की कोशिश करी बट करी नहीं पाई। बियांका ब्लेयर ने आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा, वहीं रिंग कॉर्नर में अलेक्सा ब्लिस आस्का ने बियांका ब्लेयर के बैक पे चढ़ के बेले को सुपर प्लेक्स भी लगाई। एंड में अलेक्सा ब्लिस आस्का थी नहीं, हील टीम की तीनों मेंबर्स ने एक के बाद एक बेले पे मूव लगा के मैच जीत लिया पिन करके। बैकस्टेज ड्रू मैकएंटायर और टायसन फ्यूरी बड़े अदब आदाब से मिलते दिखाई दिए। वैसे सोशल मीडिया पे एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। खैर, टायसन फ्यूरी फिर रिंग साइड बैठे दिखाई दिए। उसके साथ साथ WWE ने 1992 यानी कि 1992 UK में जब SummerSlam हुआ था उसकी भी कुछ हाईलाइट्स पैकेज दिखाया गया। इसके बाद हमें शेमस वर्सेज गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब शेमस के साथ बुच हॉलैंड थे, वहीं गंथर के साथ काइजर तो दिखाई देते हैं, बराबरी करने के लिए गंथर के साथ आज विंसी भी दिखाई दिए। इनके बीच मैच शुरू होने से पहले ये चारों चेले आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं, इनके बीच तगड़ा ब्रॉल दिखा और फिर ये पूरे मैच में नहीं दिखे, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं शेमस और गंथर अभी भी एक दूसरे को खड़े खड़े बस घूर रहे थे। पहले तो काइजर और विंसी ने उनमें भुस भर दिया बट बुच ने टॉप रूप से शानदार डैब लगा दी। इसके बाद फाइनली शेमस और गंथर भिड़ गए, दोनों बड़े अग्रेसिव होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों ने ऐसी मार देना शुरू करी कि बॉडी पर रेड रेड निशान दोनों के बनना शुरू हो गए। शेमस के खैर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, कभी गंथर मारते तो कभी शेमस, दोनों बारी बारी से एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। अब गंथर ने स्टील स्टेप्स निकाल लिए और उस पर शेमस को पटक दिया। गंथर इसके बाद बैक टू बैक शेमस के चेस्ट पे चॉप मारते उनका पूरा चेस्ट लाल हो गया। शेमस ने फाइट बैक की कोशिश करी बट कुछ फायदा नहीं हुआ। गंथर ने रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर शेमस को पटका और अब शेमस गुस्से को अपने अंदर पंप कर रहे थे और फिर जब उन्होंने वापसी करी ना तो गंथर को बुरी तरह से पनिश करा। क्राउड शेमस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी थकाने वाला मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। अब कहीं जाके दोनों के बीच पिन दिखे जहां दोनों ने काफ़ी किकआउट भी करे। एंड में गंथर ने मूव देके शेमस को पिन करा और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। क्राउड बिल्कुल भी खुश नहीं था गंथर के टाइटल रिटेन करने से, वहीं शेमस ने हार के भी इस मैच में दिल जीत लिया। इसके बाद हमें मॉर्गन वर्सेस शायना बेजलर के बीच मैच दिखा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। शुरू में दोनों एक दूसरे पर सबमिशन का ट्राई करती हैं और अर्ली पिन के लिए जाती हैं, हालांकि सक्सेस दोनों में से कोई भी नहीं होती है। लिव मॉर्गन इस मैच में वाइट आउटफिट में क्या जबरदस्त लग रही थी यार, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। खैर, मॉर्गन ने काफ़ी देर शायना को फिरकी बना के रिंग में पटका, फिर वो रोप से कोई मूव देने वाली थी तभी शायना ने रिंग के बाहर उनको धक्का दे दिया। इसके बाद शायना ने लगातार मॉर्गन के उसी हाथ को टारगेट करा जो कि इंजर्ड हुआ था। अरुणा मरुणा यही उनके हाथ के साथ वो करती दिखाई दी। शायना ने काफी बार पिन करने का ट्राई करा बट मॉर्गन ने किकआउट करा। वहीं एक टाइम शायना ने सबमिशन लगाया, उसे छोड़ा के मॉर्गन ने आमबार लगा दिया। मॉर्गन ने काफी स्ट्रगल करने के बाद शायना को मूव दिया, पिन करा और मैच जीत के टाइटल यहां रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें एज रे मिस्टीरियो वर्सेस बैलर डेमियन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड डोमिनिक और रेहर रिप्लाई भी दिखाई दिए। रे मिस्टीरियो और बैलर ने मैच शुरू करा। शुरू में तो बैलर ने रे मिस्टीरियो पर हाथ साफ करा बट उसके बाद रे मिस्टीरियो ने बैलर की हालत खराब करके रख दी। अब टैग डेमियन पे आया तो उन्होंने एज को आने को कहा, वो अंदर आए, एज ने भी आके डेमियन में दबा के मार लगाई और रे मिस्टीरियो को उठा के रिंग के बाहर उन दोनों पे फेंक दिया। अब ये रे मिस्टीरियो को फंसा के उनमें मार दे के हावी हो जाते हैं। डेमियन अब रे मिस्टीरियो को रिंग के बाहर फेंकते हैं तो रे मिस्टीरियो बैलर को बैरिकेड और डेमियन को बैरिकेड पर गिरा देते हैं तो उनकी दोनों टांगों के बीच गोल हो जाता है।
टैग एश पर आता है, वो आके बैलर में बेहिसाब मार लगाते हैं। वहीं रिंग के बाहर रे मिस्टीरियो डैमियन को धो रहे होते हैं, तभी बैलर रे मिस्टीरियो पर मूव लगाते हैं, तो डैमियन आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं और तभी रेहा रिप्लाई डोमिनिक पर रिंग के बाहर अटैक कर देती हैं। फिर रे मिस्टीरियो आके फाइनली आज रेहा रिप्लाई पर अटैक करते हैं। मैच के एंड में डोमिनिक ने एक बार फिर से डिस्ट्रैक्ट करा, एज ने स्पीयर दिया और पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद वही हुआ जो मैंने प्रिडिक्ट करा था, डोमिनिक ने पहले एज को लो ब्लो दिया और फिर रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक को धक्का दे के बोला कि ये क्या कर रहा है, तो फिर डोमिनिक ने अपने फादर यानी कि पापा पे भी अटैक कर दिया। जजमेंट डे खड़े होके बस हंस रहे थे। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच मैच देखा। बैल बजते ही दोनों एक दूसरे पर ऐसे छूटे कि सालों से इनको बंद करके रखा गया हो और खुलते ही मानो टूट पड़े, छोड़ ही नहीं रहे थे एक दूसरे को, मतलब जो जिसके मन में आ रहा था वो ऐसे ही मार रहा था। रिडल ने थोड़ा कंट्रोल बनाया और सेथ रॉलिंस को पीछे हटने और रिंग से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। रिडल ने इसके बाद एप्रिन पर उन्हें दे मारा। सेथ रॉलिंस बीच बीच में वापसी की कोशिश करते दिखाई दिए, जो कि कोशिश ही रह गई। अब रिंग के बाहर सेथ रॉलिंस ने रिडल को बैरिकेड पर बकल बम दिया और फिर सुसाइड डैब भी लगाई। काफी देर सेथ रॉलिंस हावी दिखाई दिए, दोनों के बीच काफी किकआउट भी देखने को मिले जिस वजह से दोनों फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए। वहीं दोनों के बीच जबरदस्त मैच दिखा जिसे देखकर के वाकई मजा आ गया। इसके बाद रिडल ने सेथ रॉलिंस का एक साइड का गाल पकड़ के जो थप्पड़ लगाए हैं वो देखने लायक था। वहीं सेथ रॉलिंस ने ऑर्टन का मूव विंटेज डीडीटी लगाई। वहीं सेथ रॉलिंस यहीं नहीं रुके, वो रिडल पर आरक्यू लगाने की भी तैयारी कर रहे थे, तो रिडल ने काउंटर करते हुए सेथ रॉलिंस पर जबरदस्त मार देते हैं। अब रिडल चेयर से सेथ रॉलिंस पर अटैक की कोशिश करते हैं, सेथ रॉलिंस वापस से रिडल को रिंग में लाते हैं और सेथ रॉलिंस रिडल पर रिंग कॉर्नर से कर्ब स्टॉम्प लगा के मैच जीत ले जाते हैं। वहीं बैकस्टेज दिखाया जाता है कि टाइसन फ्यूरी रोमन रेंस के लॉकर रूम में साथ बैठ के उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला। दोनों ने एंट्री करी, चौंकाने वाली बात यह है कि रोमन रेंस ने आज अकेले एंट्री करी। वहीं क्राउड में टाइसन फ्यूरी और कैरियन क्रॉस भी बैठे दिखाई दिए। दोनों के बीच मैच शुरू होता है तो दोनों के बीच टेक डाउन की कोशिश दिखाई दी। क्राउड जबरदस्त सपोर्ट ड्रू मैकेंटायर को कर रहा था, वहीं रोमन रेंस को ड्रू मैकेंटायर के सामने डरते हुए दिखाया गया। ड्रू ने दो बार शोल्डर टैकल मारे, दोनों ही बार रोमन रेंस रिंग से निकल गए। अब रोमन रेंस गुस्से में रिंग में एंटर होते हैं और ड्रू मैकेंटायर पर रिंग कॉर्नर पर चढ़ के पंचेस लगाना शुरू करते हैं, बट ड्रू मैकेंटायर हट के उल्टा रोमन रेंस पे 10 पंचेस लगा देते हैं और फिर उन्हें रिंग के बाहर करके स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। ड्रू मैकेंटायर हावी दिखाई दिए, तभी क्राउड में से कैरियन क्रॉस खाली बोतल फेंक के ड्रू मैकेंटायर के मारते हैं। ड्रू मैकेंटायर का ध्यान हटा और रोमन रेंस ने इसका फायदा लिया और ड्रू मैकेंटायर पर अटैक करके उनको पनिश करना शुरू करा। अच्छा मैच दिखाएं दोनों सुपरस्टार के बीच, दोनों बारी बारी से एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दिए। क्राउड ने हल्ले मचाए तो ड्रू मैकेंटायर ने फिर रोमन रेंस पर अटैक करा और तबीयत से मार दी। अभी तक मैच में किसी का दखल देखने को नहीं मिला था, मैच काफी क्लीन तरीके से आगे बढ़ रहा था। दोनों काफी थके थके से लगने लगे क्योंकि मैच काफी लंबा दिखाई दे रहा था। अब रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच स्पीयर लगाई, उसके बाद जिलेटिन चोक भी ड्रू मैकेंटायर पर लगाया, बट ड्रू मैकेंटायर हारने के मूड में नहीं दिखाई दिए। अब रोमन रेंस रेफरी से कुछ कह रहे थे, तभी ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंस को क्लेमोर देते हैं और वो रेफरी के साथ जा टकराते हैं। रेफरी वहीं गिर पड़ता है, लेकिन तभी ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है। वो कैश इन करने आते हैं, अनाउंस टेबल के पास खुद जाके रेफरी से कैश इन की कह रहे होते हैं। वहां बैठे टाइसन फ्यूरी ऑस्टिन थ्योरी को नॉकआउट पंच मार के ढेर कर देते हैं। तभी रोमन रेंस ने ड्रू मैकेंटायर को सुपरमैन पंच दिया, वहीं ड्रू मैकेंटायर ने रोमन रेंस को स्पीयर लगा के क्लेमोर लगा दी और पिन करा ही था, तभी रेफरी को पकड़ के कोई खींच लेता है जो कि कोई और नहीं सोलो सिकोवा होते हैं। तभी रोमन रेंस ड्रू मैकेंटायर को स्पीयर दे के मैच जीत के टाइटल रिटेन कर ले जाते हैं। मैच के बाद रिंग में टाइसन फ्यूरी आए, उन्होंने पहले रोमन रेंस से हाथ मिलाया तो क्राउड ने जबरदस्त बू करा और फिर ड्रू मैकेंटायर की जमकर तारीफ करी और फिर टाइसन फ्यूरी एंड में गाना भी गाया। अब यही आज का शो एंड हुआ। शो में लिमिटेड मैचेस थे जिनको देख करके मजा आया। अगर मैं अपने फेवरेट मैच की बात करूं तो शेमस वर्सेस गंथर का बीच जो मैच हुआ वो मेरा फेवरेट था। शेमस ने आज बड़ा इंप्रेस करा, बेशक वो टाइटल नहीं जीत पाए बट क्राउड ने शेमस को जो सपोर्ट दिया ना वो टाइटल से बढ़ के था उनके लिए। डोमिनिक का फाइनली आज हील टर्न हो चुका है, उन्होंने एज और अपने फादर रे मिस्टीरियो पर अटैक कर दिया। वहीं इस मैच में चलो रे मिस्टीरियो ने एक ही सही मूव तो रिहा रिप्लाई को लगाया। सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच भी अच्छा मैच देखने को मिला, कोई नया चैंपियन या टाइटल चेंज होता नहीं दिखाई दिया इस इवेंट में। अब मेन इवेंट की बात करें तो मैच अच्छा दिखा जहां किसी का दखल नहीं दिखा। ऑस्टिन थ्योरी एंटर हुए तो लगा कुछ ट्विस्ट होगा, बट टाइसन फ्यूरी ने ही ऑस्टिन थ्योरी को नॉकआउट पंच देकर ढेर कर दिया। अब समझ ये नहीं आया टाइसन फ्यूरी को क्या दिक्कत थी अगर ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करते। इतना ही नहीं, ऑस्टिन थ्योरी को रिंग में आना चाहिए
अभिनेता खुद भाई साहब क्यों गए रेफरी के पास कैश इन की बोलने। वो जो अपने साथ लाए थे रेफरी, वो उसका काम था कि वो जाके बोलता दूसरे रेफरी को कि भाई कैश इन करने वाला है। वहीं जिम्मी उसो और जे उसो के कम पड़ रहे थे, जो WWE ने एक और एंट्री करवा दी। मतलब उन दोनों के बलबूते 2 साल टाइटल रोमन रेंज ने होल्ड करा। अब क्या तीसरे की एंट्री पे 3 साल तक टाइटल होल्ड करवाएंगे? ना फिन, ना ब्रॉन स्ट्रोमैन, ना रैंडी ऑर्टन, ना ही कोई सरप्राइज, और सरप्राइज के तौर पर सोलो सिकोवा की वापसी। मतलब कोई ना कोई दिखेगा जरूर रोमन रेंज का टाइटल सेव कराने के लिए। क्लीन तरीके से हारते या जीतते हुए नहीं दिखा सकते हैं, अभी ऑस्टिन थ्योरी से ही डिस्ट्रैक्ट करवा के टाइटल जितवा देते। खैर आपको कैसा लगा PPP कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।